रावण, हूज दिस, कौन है वो? क्या वो इतनी बड़ी शक्ति है कि उसे मारने राम आएंगे? राम अखिल ब्रह्मांड नायक, कृष्ण जगतपति सर्वेश्वर परमपिता परमात्मा, कंस को मारने आएंगे, राम रावण को मारने आएंगे? वो है कौन? ये हैं भगवान के द्वार के द्वारपाल। जय और विजय जान सब को द्वारपाल हरि के प्रिय दो। ये जो द्वारपाल है ना, जय और विजय, वही रावण और कुंभकर्ण आकर बने, वही शिशुपाल और दंत वक्र आकर बने। तो क्या द्वारपाल को मारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा? तो क्यों आए? बोले भगवान आए अपने भक्तों को सुख देने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर कृष्ण नहीं आते तो तुम्हें भागवत सुनने को मिलती? राम नहीं आते तो तुम्हें रामायण सुनने को मिलती? वो तो त्रेता युग में आकर चले गए, एक द्वापर युग में आकर चले गए, लेकिन उनके चरित्र ही तो हैं कि कलयुग में रहने वालों को भी पवित्र और आनंदित कर रहे हैं, आज भी आनंदित कर रहे हैं। वो तो आए और गए, लेकिन उनके चरित्र आज भी हम सब में मौजूद है। यहां देखिए ना, हजारों हजार लोग कितना आनंद ले रहे हैं, किससे? उनके चरित्रों से। राम रावण को मारने नहीं आए, राम मानव को मानवता सिखाने के लिए आए, राम इंसान को इंसानियत सिखाने के लिए आए। वो बताने आए कि कैसा होना चाहिए मानव। एक बात आपने बार बार सुनी होगी, राम जी ने जो किया वो करना चाहिए और कृष्ण जी ने जो किया वो सुनना चाहिए। अब जो कृष्ण जी ने किया वो करना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। अब कृष्ण जी ने तो है, वो तो बहुत तो है, लेकिन राम जी ने जो किया वो हर काम करना चाहिए। जितने बच्चे बैठे ध्यान से सुने, फर्स्ट यू रिस्पेक्ट योर मदर फादर, अपने माँ बाप का सम्मान करना। और जितनी नू बैठी है, नू इतने नू भी तो आई है, वो अपने सास ससुर की पूजा करे, सेवा करे। अब मुझे पता है बहुएं बड़ी खुश नहीं होंगी ये बात सुनकर। बहुएं सोच रही होंगी हम ही सेवा करें और ये भी कुछ करे के में। एक एक मैंने कथा सुना तो बहुत अच्छी लगी मुझे। एक पंडित जी कथा कह रहे थे, उस समय ऐसी कथा होती थी 15-16 लोग जाते थे, तो पंडित जी ने कहा भाई और लोगों को लाया करो। तो एक सासू माँ अपनी बहू को लेके चली गई। पंडित जी ने कहा भाई जिस जिसको स्वर्ग जाना है हाथ उठाओ। बहू मजबूरी में गई थी, मर्जी से तो गई नहीं थी, तो उसका मन कथा में तो था नहीं। यहां पर भी दो प्रकार के श्रोता बैठे हैं, एक मन से बैठे और एक मजबूरी में बैठे। और जो मजबूरी में बैठे, मजबूरी में कौन? जो किसी के साथ आए, जो किसी की गाड़ी में किसी के साथ आए। अब वो जाए कैसे? क्यों? बोले जिसकी गाड़ी में आए उसका तो मन लग रहा है। क्यों मन लग रहा है? बोले उसका मन इसलिए लग रहा है पेट्रोल खर्च करके आए, डीजल खर्च करके आए, तो उसका तो मन लग रहा है। लेकिन जो मुफ्त में आया है उसका नहीं लग रहा है, उसका नहीं लग रहा है। तो बोले चल हो गई अरे बोले बैठ। अब वो मजबूरी में यहां बैठा है और एक मंजूरी में बैठा है। एक बात बता दूं, जिस दिन तेरी मजबूरी मन की मंजूरी बन जाएगी, उस दिन मेरे और तेरे ठाकुर की दूरी ज्यादा दूर नहीं होगी। तेरी मजबूरी अगर मंजूरी बन जाए तो मैं सच कहता हूं कि तेरे और गोविंद के बीच की दूरी कम हो जाए, उसी वक्त कम हो जाए। इसे मंजूरी बना लेना, मजबूरी क्यों बनाता? अब आ तो गया है, तुम बैठ जा, लगा ले मन। तुम्हें क्या कह रहा सी? वो मैं बहू मजबूरी में बैठी सी उठे। पंडित जी ने कहा हाथ उठाओ, किस किस को स्वर्ग जाना है? जितनी भी सास बैठी सबने हाथ उठाया हमें स्वर्ग जाना है, बहू ने नहीं उठाया। पंडित जी को लगा पता नहीं बिचारी लड़के आई होगी अपनी सासू माँ से, इसलिए नहीं उठा रही।
फिर कहा जो हाथ नहीं उठाएगा वो स्वर्ग नहीं जाएगा। अब एक बार और चांस देता हूँ, हाथ उठाओ जिस जिसको स्वर्ग जाना है। फिर सासों ने हाथ उठाया, बहू ने फिर हाथ नहीं उठाया, पंडित जी से नहीं रहा गया। पंडित जी ने पूछा क्या बात है री बहू, तुझे स्वर्ग नहीं जाना? बहू ने जवाब दिया महाराज मेरी सास को स्वर्ग मिल जाए तो मेरे लिए यही स्वर्ग हो जाएगा। मेरी सास को अगर स्वर्ग मिल जाए तो मेरे लिए यही स्वर्ग हो जाएगा, इससे बढ़िया स्वर्ग कहाँ होगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।